पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में हुई है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 2021 से उसे परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पप्पू यादव और उनके करीबियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। 2021 से परेशान कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2021 उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था। 2023 के दुर्गा पूजा जो दिता है उसमें 15 लाख का 200 का डिमांड किया था, जो कि हमने उनको नहीं दिया। किसने? पप्पू यादव ने। जिसने इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो, तो अब एक का व्यवस्था करो, एक कोड का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पप्पू यादव ने इसे साजिश बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा है कि वो इस साजिश को बेनकाब करेंगे।